गाइस कैसे हैं आप सब। आज आपसे मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी आसान सी रेमेडीज जिसे अगर आप 15 डेज मात्र 15 दिन फॉलो करेंगे तो आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इनफैक्ट डार्क सर्कल्स ही नहीं, अगर आपकी आईज के नीचे पफिनेस है, आपकी आंखें से सूज जाती हैं नीचे से जब आप सुबह सो के उठते हैं, या पूरा दिन आपकी लेयर अजीब सी बाहर सी आती जा रही है, या फिर आपकी आंखें अंदर धंसती जा रही हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देगा। बिल्कुल नेचुरल तरीका है, आपके किचन में अवेलेबल है, कोई आपको पैसा नहीं खर्च करना और रिजल्ट इतना बेहतरीन होगा कि कमेंट करने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। लेकिन अभी कमेंट में अपना प्यार जरूर जाहिर करिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो रेमेडीज कैसी लगी। अच्छी लगी तो बहुत सारा प्यार करें, वीडियोस को अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो चलिए जानते हैं क्या है वो रेमेडीज, कैसे बनाना है और कैसे अप्लाई करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस तरह के 2 चम्मच लेने हैं और इनको फ्रीजर में फ्रीज करना है कम से कम 45 मिनट के लिए। 45 मिनट बाद आप इस चम्मच को फ्रिज से निकाल लीजिए। जब आप निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके होंगे, और यही ठंडे चम्मच कि जब हम अपनी आईज के नीचे मसाज करेंगे तो ये आपके आईज की पफिनेस को, रिंकल्स को और डार्क सर्कल को बिल्कुल रिड्यूस कर देंगे। अब ये चम्मच मैंने निकाल लिए हैं, अब इस तरीके से मैं अपनी आंखों के नीचे इसको रखूंगी और अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रेच करती रहूंगी। जब तक टेम्परेचर चम्मच का बिल्कुल गर्म ना हो जाए तब तक आप इस प्रोसेस को करते रहें। ऐसा आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब चम्मच ठंडा होता है तो वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होता है तो हमारी आईज के नीचे की पफिनेस, रिंकल्स और डार्क सर्कल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अब बारी आती है हमारी सेकेंड रेमेडी की। सेकेंड रेमेडी के लिए हम अपने फेस पर धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी स्किन खराब ना हो। लेकिन अंडर आई स्किन हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो सेंसिटिव होने की वजह से जैसे ही वो धूप के कॉन्टैक्ट में जाती है तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। वहाँ की बिल्कुल मसल्स एकदम सिकुड़ जाती है, वहाँ पे रिंकल्स आने लगते हैं, वहाँ पे फाइन लाइंस आने लगती है, वहाँ पे डार्क सर्कल्स आने लगते हैं, वहाँ पे पफिनेस की समस्या हो जाती है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, स्लाइटली सा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी ही क्वांटिटी में आपने सनस्क्रीन लेना है, और बहुत ही हल्के हाथों से जेंटली आपने अपनी आईज के अंडर आई एरिया में मसाज करना है। मसाज करने के बाद आपको 30 मिनट बाद ही घर से बाहर जाना है, और अगर आप पूरे लंबे दिन के लिए बाहर हैं तो आपको क्या करना है, उसके बाद 2-3 घंटे बाद दोबारा से अपनी आईज के नीचे इसको अप्लाई करना है। और हाँ, सनग्लासेस का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो सनग्लासेस होते हैं वो आपके आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, जिससे आपके डार्क सर्कल्स, रिंकल्स और बाकी पफिनेस की प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं आती है, क्योंकि आपकी आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, उनको आपको धूप से, मिट्टी से, धूल से, हर चीज़ से बचाकर रखना चाहिए। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट रेमेडी की। जो आपको मैं रेमेडीज बता रही हूँ उसमें से आप कोई भी एक रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमें यूज़ करना है आलमंड ऑयल का। जो मैं आपको आलमंड ऑयल दिखा रही हूँ सेम आपको इसी ब्रांड का लेना है। आपको सर वाला आलमंड ऑयल कभी भी आंखों के नीचे इस्तेमाल नहीं करना। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, थोड़ा सा आलमंड ऑयल आप इस तरीके से अपनी हथेली पर ले लीजिए और अपनी फिंगर टिप्स पर लेकर इस तरीके से आंखों के नीचे और ऊपर लिड पर मसाज करिए। कम से कम 2-3 मिनट तक जेंटली मसाज करने के बाद आप सो जाइए, पूरी रात इसको ऐसा ही लगे रहने दें। लेकिन हाँ, इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करना, उससे सारी इम्प्योरिटीज और डस्ट को हटाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप रोजाना ऐसा करते हैं तो 15 डेज में आपके डार्क सर्कल्स, पफिनेस और रिंकल्स बिल्कुल गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आईज की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसे डेली उसको अच्छे से नरिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। हम
हमें क्या करना है, डेली 15 मिनट सुबह और शाम को कपालभाति करनी है। अगर हम 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो ये आपके डार्क सर्कल को रिड्यूस करती है, आपके ओवरऑल फेस के ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है, आपको फ्यूचर में जो रिंकल्स आ रहे हैं, आपकी स्किन पर फाइन लाइंस आ रही है, पिगमेंटेशन आ रहा है या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, उसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म करती है। तो कपालभाति जरूर करें, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ सेम आपने ऐसे ही करना है, लेकिन आपने इसके टाइमिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज करते जाने हैं और मैक्सिमम 15 मिनट तक लेकर जाने हैं। कपालभाति का कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, आप सुबह हो या शाम हो कभी भी ये फॉलो कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा दूध ले लेंगे। कच्चे दूध में हम चुटकी भर हल्दी ऐड कर लेंगे। हल्दी यहाँ पर मैं कस्तूरी हल्दी ले रही हूँ, आप चाहें तो अगर आपके पास नॉर्मल हल्दी है तो वो ले लीजिए, क्योंकि कस्तूरी हल्दी से आपकी आईज के नीचे येलोपन भी नहीं रहता और आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स को वो दूर करती है। कच्चा दूध आपकी स्किन को हीलिंग देता है और हल्दी एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल गुण होने के कारण आपकी डार्कनेस को, आपकी स्किन की डलनेस को, मतलब जो भी रिंकल्स आ चुके हैं उन सबको स्लो डाउन करती है। तो 15 डेज आप इसमें से इस रेमेडी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आपने कॉटन बॉल लेना है, डिप करना है और अप्लाई करना है। और 10 मिनट बाद आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हनी का इस्तेमाल करना है। हनी आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा हथेली में ले लूंगी और फिंगर टिप्स की हेल्प से अपनी आंखों में सर्कुलर मोशन में, यानी अपनी आंखों के नीचे और आईलेट के ऊपर हल्के हाथों से 10 से 15 मिनट के लिए मसाज करूंगी। मसाज करने के बाद आप ठंडे पानी से अपनी आंखों को धो लीजिए। जो हनी होता है वो आपकी आईज को नरिश करता है, आपकी आईज की डार्कनेस को, पफिनेस को, रिंकल्स को रिड्यूस करता है, आपकी आईज इससे बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। और अब बारी आती है हमारे आखिरी स्टेप की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुबह उठकर आपने मुंह में पूरे तरीके से पानी भर लेना है, उसके बाद ठंडे पानी से अपनी आंखों पर छींटे मारने हैं। ऐसा आप चाहें तो सुबह उठने के बाद पूरा दिन भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, जब भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें या फिर आप कंप्यूटर पर बहुत देर तक अगर बैठे हुए हैं तो आपको बीच में उठकर अपनी आंखों पर ठंडे पानी के छींटे जरूर मारने चाहिए, लेकिन मुंह में पानी भरकर, क्योंकि जब हम मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आईज अच्छे से खुल जाती हैं और पानी अच्छे से आंखों के अंदर जा पाता है, तो हमारी आईज ड्राई नहीं होती, साथ में आईज की पफिनेस और रिंकल्स प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ये तो है रेमेडीज जो हमें ऊपर से हमें अच्छा कर सकती हैं, लेकिन जब तक आप अच्छा खाएंगे नहीं तो आपकी जो ओवरऑल स्किन हो, आपकी बॉडी वेट हो या फिर आपके डार्क सर्कल्स हो, कुछ भी खत्म नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको अपनी डाइट में हाइड्रेटिंग फूड्स को शामिल करना है, जैसे खीरा हो गया, टमाटर हो गया, वाटरमेलन हो गया, इसके साथ बीटरूट हो गया यानी चुकंदर जो होता है वो हो गई। तो आप अगर ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो डेफिनेटली आपके डार्क सर्कल धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, हेल्दी दिखेंगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत हेल्प कर पाया होगा। अगर इतना ही हेल्प कर पाया तो वीडियो को जमकर शेयर करें, लाइक प्लीज़ करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसके साथ मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, @ishamehra मेरा अकाउंट है, फेसबुक में मेरा पेज है। टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।